सूत्रों की माने तो किसानों का दिल्ली कूच 23 फरवरी तक टल चुका है। इसमें अभी अपडेट आना बाकी है। क्या किसान 23 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जो ऐलान उन्होंने किया था, या खनौरी में जो घटना हुई है जिसमें पुलिस का दावा है कि 12 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, वहां पर किसानों का दावा है कि एक युवक की मृत्यु पुलिस की गोली लगने के कारण हुई है, इन सब पर आज क्या अपडेट रहा, इसमें हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र की सरकार ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, ये बता रही है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये रिपोर्ट। किसान दो दिन नहीं करेंगे दिल्ली कूच। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। उपद्रवियों ने धान की पराली में मिर्ची डालकर लगाई आग। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने बुधवार को हरियाणा के दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर धान की पराली में मिर्च डालकर आग लगा दी और तलवार, भालों और गड़ासों से पुलिस बल पर हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने धान की पराली में जब मिर्च डालकर आग लगाई तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। पुलिस जवानों पर हमला भी किया। पराली के साथ जलते मिर्चों के तीखे धुएं और तीखी गंध से सुरक्षा बलों को बहुत परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि कुछ आंदोलनकारियों ने तलवार, भालों, गड़ासों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को PGI रोहतक रेफर किया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट। किसानों का दिल्ली कूच टला, 23 फरवरी को किसान करेंगे अगला फैसला। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल हालात शांतिपूर्ण। एक तरफ हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बैरिकेडिंग पर तैनात, दूसरी तरफ किसान भी डटे हुए हैं। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट में नई जनहित याचिका दायर की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक बढ़ा दी गई। इंटरनेट पर रोक 23 फरवरी की रात 12 बजे तक बढ़ी। उन जिलों में नाम है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, जहां पर अब नो इंटरनेट अगली 23 फरवरी तक। हरियाणा पुलिस ने गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए हालात को काबू में किया। 13 फरवरी को भी प्रदर्शनकारियों ने किया था पथराव। हरियाणा पुलिस के 2 DSP और 2 दर्जन पुलिसकर्मी हुए थे घायल। प्रदर्शन के चलते 15 जिलों में धारा 144, 64 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात, 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात। वहीं एक किसान की मौत के बाद किसान नेताओं ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को स्थगित करने का ऐलान किया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि इस दौरान प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के साथ 4th दौर की बातचीत फेल होने के बाद सरकार ने 5th दौर की बातचीत का ऑफर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर सियासत गर्म है। पंजाब सरकार से लगाए किसानों तक ने हरियाणा पुलिस पर हमला बोल दिया। आरोप है कि हरियाणा पुलिस की फायरिंग में युवक की मौत हुई, जबकि हरियाणा पुलिस इसे बार बार इनकार कर रही है। ये तो जी नीतियां सामने आ रही हैं इन्हों भी, ये पंजाब भारत का हिस्सा समझते नहीं है। पहले तो इन्होंने बॉर्डर बनाए गए, बॉर्डर बनाने तो बाद हुण जदों किसान फिर भी अपने हक मंगण लई अगे वधे तां इन्हां ने सीधियां गोलियां मारी गईं। अज एक मारिया कलू 2 मारनगे। हुण पत्रकार साहब सवाल करदे सी, कह रहे आपका अंदोलन कब तक चलेगा जी। सो तुहानूं दस दिंदे आ, पंजाब च जिन्ने सिर ने जद तक तुसीं सारे सिर नहीं ना वढ दिंदे, ये चलदा ही रहेगा अंदोलन, क्योंकि तुहानूं ये साडे खून च है। हक्कां लई खड़ना, लड़ना साडा इतिहास बोलदा इहदे पिछे। हाँ जी बिल्कुल, सानू बहुत दुख है ते असी इहदी बहुत कड़े शब्दां च निंदा करदे आ। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दे, जैसे कि MSP की मांग, पराली का विषय, FIR पर बातचीत समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। अब आगे किसानों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।